नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप होली की रात करें ये काम तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, फागुन मास का सबसे खास त्यौहार है होली, और इस साल होली का दहन 17 मार्च को होगा। 18 मार्च को रंग वाली होली यानी कि धुलेंदी मनाई जाएगी। कुछ लोग उदया तिथि के चलते 19 मार्च को होली मनाएंगे। होलिका दहन की पूजा करते समय कुछ निश्चित बातों का ध्यान रखें, जैसे कि हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार होलिका की जलती हुई अग्नि नवविवाहित स्त्रियों को नहीं देखनी चाहिए। कहा जाता है कि होलिका में आप पुराने साल को जलाते हैं, इसके अगले दिन नए साल की शुरुआत हो जाती है। होलिका की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना जाता है, मतलब आप अपने पुराने साल के शरीर को जला रहे हैं। इसीलिए नवविवाहित स्त्रियों को होलिका की जलती हुई अग्नि को देखने से बचना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको होलिका दहन के दिन करने वाले खास टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके सपने पूरे हों। सपनों को पूरा करने के लिए पैसे और अच्छी सेहत बहुत जरूरी है। होली के कुछ प्राचीन टोटके हैं जिन्हें होलिका दहन के दिन करने से आपकी तरक्की के रास्ते में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाएंगी। इन टोटकों को होली की रात में ही करना चाहिए। ये टोटके गुप्त रूप से किए जाते हैं, किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं चाहिए। इस टोटके को करने के बाद सारी आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सुख समृद्धि आ जाएगी, इतना पैसा आएगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर किसी कारण बेवजह धन की हानि हो रही है तो होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क दें और दो मुखी दीपक को जला दें। दीपक बंद होने पर इसे होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इस दिन दाहिने हाथ में काले तिल के दाने लेकर मुट्ठी बनाने के बाद आप अपने सिर पर से 3 बार घुमाएं और होलिका की अग्नि में डाल दें। इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार में दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक मुट्ठी पीली सरसों लेनी है, उसे अपने सिर पर से 5 बार घुमाना है और होलिका की अग्नि में डाल देना है। माना जाता है ये बहुत शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को विवाह में देरी हो रही है तो इस दिन बाजार से आप हवन सामग्री ले आएं, उसमें घी मिला दें और दोनों हाथों से होलिका की अग्नि में से डाल दें। मान्यता है ऐसा करने से विवाह में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाती हैं। और दोस्तों अब एक खास टोटका जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको बहुत ही श्रद्धापूर्वक करना है। इससे आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। चाहे कोई कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप उसे इस टोटके के बारे में बताएंगे तो ये टोटका काम नहीं करता है। दोस्तों इस टोटके को करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले, गुप्त रूप से इसे करें। तो आइए जानते हैं इसे करने का तरीका। होली के दिन सबसे पहले आपको होलिका की राख लेनी है। राख लेने से पहले आपको एक श्रीफल होलिका को भेंट करना है। उसके बाद आपको होलिका की राख लेनी है और 1 रुपए का सिक्का, हल्दी, सुपारी और कौड़ी ले लें। अब इन चीजों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से लक्ष्मी का बंधन होता है, लक्ष्मी जी आपके घर में बंध जाती हैं। मान्यता है जहां पर लक्ष्मी जी बंध जाएं वहां गरीबी कभी नहीं आती। जहां लक्ष्मी है वहां धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों जय हो लक्ष्मी माता की। चमत्कारी टोटके की तरफ से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें चमत्कारी टोटके को।